लेकिन एक सेकेंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी 7 बजे हुए हैं सुबह के। ये ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ब्लॉग में हम अपनी जो बचपन इच्छाएं थी वो पूरी करने वाले हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं गोवा। ट्रेन से पूरे 1.5 दिन लगेंगे हमें ट्रेन से गोवा जाने में, और तैयारियां चल रही हैं इधर हमारी। ये पूरा सामान बिखरा पड़ा है बाहर, भी बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं। इधर बना रहे मम्मी परोठे, बना रहे आगे भी परोठे चल रहे हैं, इधर भी ये वो कल बल्ले तैयार हुए थे, बल्ले तैयार हो रहे हैं इधर, और ये पापड़ियाँ। इसमें क्या मम्मी? इसमें तो आलू है। अच्छा भाभी क्या बना रहे हो आप? करेले की सब्जी बना रहे हैं, 1 महीने के लिए वो खराब नहीं हो गया ना। सुबह सुबह कटिंग चल रही है क्या किसी चीज की? हरी मिर्ची पराठों में गेड़ोगे? डालेंगे। इतने सारे परोठे बनेंगे अभी, हम पहले कहीं और जाएंगे, अपने ससुराल जाओगे? अब मैं मेरे ससुराल जाऊंगा। ओ माय गॉड, मैंने मेरा ससुराल नहीं देखा, बताओ आज तक देखा नहीं? आज हम ससुराल जाएंगे। हमारे चले तो सच्ची तो देखा नहीं, मेरे को पता नहीं था कि मेरा ससुराल है वो। पहले हम भाभी के घर जाएंगे, वही है हमारे ससुराल। तो तैयारियां बहुत हो चुकी हैं, घर वाले पानी पे पानी की बोतलें ले जा रहे हैं। ये दही बल्लों का कार्यक्रम समाप्त हो गया। इधर एक और बोतल आ गई, इसमें भी कुछ ना कुछ भरा जाएगा। रास्ते में इनके हिसाब से ना रास्ते में पानी नहीं मिलना, तो ये बोतलें ही बोतलें ले ही गई है, 2-3 बैगों में डाल ली। गोवा ना पानी कम पड़ गया, हाँ से उधर पानी कम पड़ गया, तो इधर से पानी लेके जा रहे हैं गोवा। भाई रास्ते में पानी नहीं मिलेगा इसलिए घर से लेके जा रहे हैं, ऐसा मानना है मेरी माताओं का। 4 ही बोतल तो ली है, 4 और 2 बैग में पा दी, वे एक और भरने लग रही है। वो लस्सी है, लस्सी भी लेके जा रहे हैं, पानी भी है लस्सी भी है। रास्ते में ना खाने का सामान नहीं लेंगे हम, बस पिएंगे, बस पिएंगे। पानी का लिया है, करेले की सब्जी ली है, पराठे ली है, रोटी ली है, बस ये इतना सामान हो गया, बहुत ज्यादा बाकी गाड़ी में रख। बाय बाय, हम पीछे पीछे इनको छोड़ने जा रहे हैं। ये जोनी भाई साहब, ये हमारे देवर जी हैं। बाय तुम होगी, बाय बाय चाची, बाय बाय चाचा राम स्वामी। गिलास कहाँ भाई? तो जैसा कि भाभी ने बोला था, मैं अपने ससुराल के घर आ गया, मतलब मेरे भाभी के पापा के घर आ गया। ट्रेन का टाइम हो गया था, तो हम रास्ते में देख रहे हैं एक बियर बार भी है इधर, तो थोड़ी देर में हम स्टेशन के लिए निकल गए। और हमने मैप लगाया तो एक गांव के अंदर ही घुमाया जा रहा है। फिर हमें एक भला इंसान मिला, हमने इनसे पूछा रास्ते के बारे में। तो बड्डो जाना था, बड्डो बड्डो पट्टी जाना है। बेटा एक राइट मारना, दूसरा राइट मारना, पहुंच जाओगे। तो हमने रास्ते में एक ताऊ को देखा, पता नहीं क्या कर रहा था, थोड़ के बीच में खागड़ के साथ। फिर हमने सोचा कि तेल भरा लिया जाए, फिर हमने पूरे 2022 का तेल डलवाया इसमें। तो हमने पेट्रोल पंप के बाहर देखा तो एक शेर घूम रहा था भाई। तो हमें रास्ते में एक कैदियों की बस मिलती है, जिसमें कैदियां ठूस ठूस के भरे हुए थे, बाहर एक गार्ड भी खड़ा हुआ था। फिर जैसे तैसे करके हमारा स्टेशन आ ही गया था। स्टेशन के अंदर जाते हैं तो हमारी गाड़ी आई हुई मिलती है, और हम फटाफट बैग चक्के। फिर भैया हमें छोड़ने आए थे, तो उसके साथ हमें एक अजीब गरीब प्रैंक किया। नकली था। तो गाड़ी में हम ब्लॉग बना रहे थे, भाई साहब हमारा ही ब्लॉग बनाया जा रहा है, मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा। मैं खाना खा रहा था तो मैंने भैया को फोन दे दिया ब्लॉगिंग के लिए, तो भैया ना अनाउंसमेंट कर रहे हैं भंडारे। ये है दही बल्ले, ये हमारे पूजनीय पिताश्री ने स्पेशल हमारे लिए तैयार किए हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा।
ट्रेन में चढ़ के खाने के पीछे ऐसे टूट पड़े हैं जैसे गधे के पीछे शेर। और मैं भी मस्त खाना खाए जा रहा था और फिर क्या था, मैंने बर्तन मांजने पड़े, सारे धो दिए मैंने। खाना खाने के बाद फिर जो ट्रेन में हमने कब्जा किया ना भाई, कोई इधर लेट रहा है, कोई उधर नीचे लेट रहा है, कोई जैसे अपने बाप का डब्बा है। ओए तो पापा ही जी हैं। तो थोड़ी देर में एक किडनैपर आता है, वो सारे तकियों को कब्जे में कर लेता है। 100-200 किलोमीटर के बाद फिर एक स्टेशन आता है, उस पे कुछ आदिवासी लोग भी रहते हैं और दूसरी तरफ एक सस्ता टिकाऊ बीर ग्रिल भी मिलता है हमें। भैया नहीं भैया, अरे मत पकड़ो भैया, अरे मत पकड़ो भैया, वो मोरी भैया। फिर हमने बाहर देखा, इतना देखा जहां तक देखा जा सकता था, मोर कपड़े बदल रहा था। भैया अंताक्षरी खेल रहे हैं? हाँ खेलेंगे, कौन आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ऐसी कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं? केक। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, मूल्य है इसका 2000 रुपए। ऐसा कौन सा फल है जो मीठा तो होता है लेकिन उसे खा नहीं सकते? मेहनत का फल। अच्छा। 2000 years later। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वह कौन सी चीज है जो एक बार बढ़ जाती है लेकिन फिर कभी घटती नहीं है? उमर। तो ये भाई साहब करोड़पति से आए थे, अभी जीते हुए इनाम हमें देने आए हैं, पूरा चेक लेके आए, 3-4 चेक फाड़े हैं इन्होंने, एक उनको देंगे एक हमें। तो जीते हुए पैसे हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं लैपटॉप के जरिए। जैसे ही हम बीकानेर पहुंचते हैं तो हमें मिलता है खाना, और हम अभी खाना खा रहे हैं तो सभी खाने पर टूट पड़ते हैं। लेकिन एक सेकंड, हाँ दोस्तों ये रानू मंडल ही है, हम इनके साथ सफर करके आए हैं पूरे 2-3 दिन। इनके साथ सफर करने में तो हमें तो बहुत मजा आया, पर इन भाई को मजा नहीं आया, ये बाहर ही चले गए डब्बे से। तो इसके साथ व्लॉग की एंडिंग करते हैं। टाटा बाय।